हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे अग्रिम जमानत के विषय में और क्या है इसके प्रावधान। अग्रिम जमानत जो है एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो कितने समय तक की होती है, क्या है उसका टाइम पीरियड, क्या है टाइम ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कि अग्रिम जमानत का प्रावधान जो है CRPC की धारा 438 में किया गया है। आपको मैं बता दूं, अग्रिम जमानत 1973 के पहले कोई भी इसका प्रावधान नहीं था, कहीं पे कोई इसका नियम कानून नहीं था अग्रिम जमानत के बारे में। ये लॉ कमीशन की, जब लॉ कमीशन ने इसमें रिपोर्ट पेश की 41वीं रिपोर्ट में ये ऐड करने के लिए सिफारिश किया गया एंटीसिपेटरी बेल को, तब जाके इसमें मंजूरी मिली इसको और तब जाके ये स्टार्ट हुआ एंटीसिपेटरी बेल। आपको बता दें, रिसेंटली जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को लेके एक डायरेक्शन इशू किया था, उस डायरेक्शन या डायरेक्शन में क्या क्या कहा गया था उससे पहले आप जान लीजिए वो केस कौन सा था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 29-1 अर्थात 29 जनवरी 2020 को एंटीसिपेटरी बेल के मामले में एक डायरेक्शन इशू किया था, जारी किया था, तो उसका केस आप जान लीजिए पहले, उस केस को सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ NCT दिल्ली एंड अदर्स, ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को लेके सारी गाइडलाइन जारी की थी। उसमें कहा गया था कि किन कंडीशनों में एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए, किन कंडीशनों में रिजेक्ट करनी चाहिए या किस किस शर्तों के साथ दी जानी चाहिए, वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग केसों में वो निर्धारित किया जाए। और एक बात जान लीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल कितने समय तक के लिए है या कब तक के लिए दी गई है, इसका लॉ में, कोर्ट में, कानून में, किसी भी किताब में कोई प्रोविजन नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल की समय सीमा क्या है, कब तक के लिए होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे केस के, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। 5 मार्च 2021 में एक ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर। अब इसी केस में कहा गया कि जो एंटीसिपेटरी बेल की समय सीमा है इसका कोई निर्धारण नहीं है, ये कब तक लिए। अक्सर इसमें हुआ ये था, इस केस में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गिरी ने एंटीसिपेटरी बेल लिया हुआ था, उसके बाद इनके केस में क्या हुआ कि चार्जशीट सबमिट हो गई। तो चार्जशीट सबमिट हो जाने के बाद पुलिस वालों ने ये तर्क दिया कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल जो आपने ली है वो जैसे ही चार्जशीट फाइल हो गई वो उसी के साथ एंटीसिपेटरी बेल आपकी कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, आपको रेगुलर बेल लेना पड़ेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया तो उसमें साफ साफ शब्दों में कहा कि एंटीसिपेटरी बेल की कोई समय सीमा नहीं है, वो एंटीसिपेटरी बेल पूरे केस जब तक चलेगा तब तक के लिए भी मानी जा सकती है या अलग अलग शर्तों में, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अलग अलग शर्तों के साथ, जिन कंडीशनों के साथ संबंधित कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल पे रिहा किया है, अगर उसका अनुपालन नहीं करता तो उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाए या उन शर्तों का पालन अभियुक्त द्वारा नहीं किया जाता है तो भी एंटीसिपेटिंग बेल रिजेक्ट की जा सकती है, या जो कारण दिए गए हैं उन कारणों का भी पालन नहीं करता तो भी रिजेक्ट की जा सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं एंटीसिपेटिंग बेल के, जो मामले होते हैं वो कब एंटीसिपेटिंग बेल कब ली जा सकती है। FIR के पहले भी एंटीसिपेटिंग बेल आप फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपको अंदेशा हो कि किसी भी
गैर जमानती अपराध में आपको फंसाया जाएगा या फंसाने की कोशिश की जा रही, तो आप बकायदा अपने एविडेंस लगा के आप बिना एफआईआर के, अर्थात एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हो उसके पहले भी एंटीसिपेटिंग बेल फाइल कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, एंटीसिपेटिंग बेल फाइल कहाँ की जानी चाहिए, या तो सेशन में या हाई कोर्ट में। चलिए बात कर लेते, कुछ लोग एंटीसिपेटिंग बेल हाई कोर्ट में डायरेक्ट फाइल कर देते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट एंटीसिपेटिंग बेल मूव करेंगे तो हाई कोर्ट ये पूछ लेगा क्या आपने सेशन में ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया कि नहीं किया, तो आप कहेंगे नहीं, तो सीधे हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देगा कि आप पहले सेशन कोर्ट जाइए उसके बाद यहाँ आइए। अगर सेशन कोर्ट किसी कारण से रिजेक्ट करता है उसके बाद आप आइए। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस जानकारी में लगभग एंटी सपेट्रिक बेल से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दे दिया है। अगर कुछ छूटा या कोई दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट करके हमसे अपने प्रश्नों का उत्तर आप ले सकते हैं। अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल SP72 कानून को जरूर सब्सक्राइब करिए।